अग्रवाल सेवा मंडल की ओर से नवरात्रि के अवसर पर शिवनाथ नदी के पास डोंगरगढ़ मंदिर पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सेवा हेतु पंडाल लगाया गया था। जिसका कि आज भव्य रूप से समापन किया गया एवं कन्याओं को भोजन कराया गया। पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मंडल के पदाधिकारियों ने मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। डोंगरगढ़ जाने वाले पदयात्रियों की सेवा के लिए अग्रवाल सेवा मंडल द्वारा यहां पर आयोजन किया गया था। आज विधिवत उसका समापन है। नौ कन्याओं का भोजन प्रसाद यहां पर हो रहा है। उसके बाद सभी हमारे मंडल से जुड़े लोग प्रसाद लेंगे और विधिवत उसका समापन करेंगे। इसीलिए समाज के हमारे प्रमुख सभी लोग मौजूद हैं और जो सेवा मंडल में सेवा देने वाले दिगर समाज के भी जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। उनका सबका मैं, जिन्होंने हमको सेवा दी अग्रवाल सेवा मंडल के बैनर तले, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं और किसी भी प्रकार से हुई त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अग्रवाल सेवा मंडल ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माँ बम्लेश्वरी डोंगरगढ़ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए स्वल्पाहार, भोजन, चिकित्सा सुविधा और अन्य तरह की सभी विश्राम की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया था। उसके तहत विगत 2 तारीख से हम लगातार 24 घंटे यह सेवा प्रदान कर रहे हैं और आज उसका समापन कर रहे हैं। हमारे द्वारा लगभग इन 6 दिनों में 35,000 के लगभग तीर्थयात्रियों की सेवा की गई है और उन्हें हमारे तरफ से जो भी उपलब्ध हो सकता था, फलाहार, विश्राम, पेयजल, चिकित्सा आदि प्रदान की गई है। मैं प्रमोद अग्रवाल, मेरे साथ प्रभात अग्रवाल, प्रहलाद अग्रवाल आदि हैं। डॉक्टर मोहन अग्रवाल जी ने 24 घंटे यहाँ चिकित्सा सुविधा भी दी है। आज हम कन्या भोजन कराने के उपरांत इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। हमसे जो भी त्रुटियां हो गई हों, कृपया हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं और आगे कोशिश करेंगे कि इस तरह की त्रुटियां ना हों।